बाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज़ एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खानाबदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकें। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीज़ो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दागबेल डाली और यूं खानाबदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। अर्तुरुल के आने से पहले तक आप मेरे साथ थी और उसे देखते ही फैसला बदल दिया आपने, या फिर मुझसे ज्यादा अर्तुरुल की मोहब्बत अजीज है आपको? ट्रेगोस को मालूमात फराम करती है, मैंने संदूक रवाना हो गया है, सिपाहियों को तफसील भी बताती है। पहले शरायत कबूल करो मेरी और माफीनामा हवाले करो मेरे, उसके बाद तुम्हारा बोझ अपने सर लूंगा। शरायत कबूल है मुझे। जब अलंजक अर्तुरुल भाई की शरायत कबूल कर लेगा तो वो आपको लेने उस जगह जाएगा जहां हम आपको ले जा रहे हैं। वो ना हुआ जैसा आपने सोचा है, और अलंजक कोई चाल चल गया तो फिर उसका नतीजा शहादत होगा सुल्तान। मुझे वो बताओ जिसका वादा किया था, कहकर उस कहां है? सुर्ख दरख्तों के जंगल में जाओ, वो तुम्हें वही नजर आ जाएंगे। मेरा मसला है गुंतोगतू। वो क्यों, कौन हूं मैं? अल्बास्ती हूं मैं, अल्बास्ती। अगर गुंतोगतू यहां पहुंच गया तो अल्बास्ती की असलियत सबके सामने आ जाएगी। गुंतोगतू के पास वो माफीनामा शायद सुलेमान लेकर जाए, उसे सुलेमान को पकड़कर मेरे पास लाना है। वो माफीनामा गुंतोगतू तक नहीं पहुंचना चाहिए। सामने एक शख्स नजर आ रहा है जनाब। यही है वो। कौन है ये? केकावोस। आज बहुत अच्छा दिन है, जिसे हम ढूंढ रहे थे वो हमारे सामने है। केकावोस के साथ हम संदूक भी हासिल कर लेंगे। सुल्तान केकावुस। केकावुस और संदूक हमारे सामने हैं। अगर हम और रुके तो हो सकता है कि अलागू खान भी पहुंच जाए। हम किसी के पहुंचने से पहले ही हमला कर देंगे। सब कुछ हमारे हक में हो रहा है, खुदावंत हमारे साथ है उरानूस।
अगर संदूक और केकाबूस को हमने हासिल कर लिया तो हलाकू खान हमारा मोहताज हो जाएगा। हमला कब करना है जनाब? मैं तुम्हें अकब में छुप के देखता रहूंगा, इशारा मिलते ही हमला कर देना। जी बहुत बेहतर। हमने अपने ईमान, अपनी तलवार, अपनी बसीरत और अक्ल की ताकत से दुश्मनों से अपना कबीला वापस ले लिया है, और अगर अब अल्लाह ने चाहा तो सऊद की बारी है। भाई, बेबुलात को अलंजक ने सरदार आला बना दिया था, इसीलिए वो सऊद पर काबिज हो गया और इसे अपनी मिल्कियत समझने लगा। सऊद को हमने तलवार के जोर पर हासिल किया है आर्तुक भाई। हक है, दुरुस्त फरमाया आपने, लेकिन बेबुलात सऊद और सरदार आला के मनसब को किसी सूरत अपने हाथों से जाने नहीं देगा। हमने ये जमीन साजिशों के जरिए नहीं बल्कि अपनी तलवार के जोर पर हासिल की है। तुर्क रिवायात वाजे हैं, जो हमसे हमारी जमीन छीनेगा उसे उसी जमीन में गाड़ देंगे। इंशाल्लाह भाई। अगर उन्होंने मुजाहिमत की तो फिर क्या करेंगे सरदार? छीन कर लिया जाता है अपना हक, अगर कोई हमसे हक छीनने की कोशिश करेगा तो सर उतार देंगे उसका। जो आपका हुक्म सरदार। जो आपका हुक्म सरदार। हम आग के शोलों में घिरे हुए हैं, हमारी निगाहें उकाब की तरह और हौसला शेर जैसा होना चाहिए। अगर दुश्मन अपनी साजिशों के जरिए खेल खेल रहा है हमारे साथ तो फिर वक्त आ गया है कि तारीख पर नई मोहरें सख्त की जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। खोलो इसे, होशियार रहना। उस और संदूक को कब्जे में ले लो, जल्दी करो। Oh!
चलो सिपाहियों, वक्त आ गया है। सुल्तान को अगवा कर रहे हैं। बदबख्त इंसान, ये एक जाल था। जाओ जाके उन्हें रोको, जल्दी जाओ। जल्दी जल्दी भाइयों, भाइयों इस मलून को मुझ पर छोड़ दो, तुम लोग इन्हें लेकर जाओ जल्दी। मेरे हिसाब से ये बेहतर रहेगा। खुशांति दर्तरुल सरदार, खुशांति दर्तरुल सरदार, खुशांति सरदार, खुशांति सरदार, खुशांति सरदार, खुशांति सरदार, खुशांति सरदार, सरदार। फौरन ये झंडे हटाकर काई परचम लहराए जाए यहां। सऊद की हुदूद में आज के बाद सिवाय काई के और कोई परचम नहीं लहराया जाएगा। सलामत आपकी हिफाजत करे सरदार। यही अंजाम होना था ये नाल, इसी के हकदार थे तुम। Oh!
तुरंत जाओ, जल्दी उनके पीछे। कुछ सिपाही मेरे साथ आओ, हमें क्या कब उसका पीछा करना है, जल्दी। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? सरदारी आला के हुक्म पे लगाए गए परचम को कैसे हटा सकते हो? जंग करना चाहते हो क्या तुम? अगर तुम चाहते हो तो हम तैयार हैं। सौत मेरा है। मैं यहां पर किसी और का नहीं, अपना हक वापस लेने आया हूं। यहां नहीं चलेगा आपका हुक्म। कमांडर आलम जक ने सऊद और सरदार आला का मनसब बेबुला सरदार को दे दिया है। किसी के पास इतनी ताकत नहीं कि मेरा हक किसी और को सौंप सके। हमसे लड़े बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। सऊद को अगर कोई मुझसे छीनना चाहता है तो अपनी तलवार लेकर आ जाए सामने। किसी और के साए में छुपने की कोशिश मत करना। अपने सरदार से और अलंजक से कह दो, अगर चाहो तो जाकर हलाकू खान से भी कह दो। सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल ने सऊद को वापस ले लिया है। Hazur Sardar Sardar 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 Hazur S
मौत हो गया अर्तुरुल सरदार, आप अंदर दाखिल नहीं हो सकते। हम तुमसे इजाजत लेने नहीं, अपना हक लेने आए हैं। सबका क्या मतलब है अर्तुरुल सरदार? ये सरदार आला की जगह है अर्तुरुल सरदार, आपका यहाँ क्या काम है? फौरन जब्त कर लो उमरुल्लार के सिपाहियों की तलवारें, सोहूत में मुझे इनका कोई सिपाही नजर ना आए। अंदर भी तमाम परचम उतार कर काई परचम लहराओ। जो आपका हुक्म सरदार। क्या इस तरह से एक सरदार आला के मकाम पर तलवारें चलाना दुरुस्त है? अर्तुरुल सरदार, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूं, जवाब दें। एलबिलगी खातून, बुलंदी पे बैठे लोगों तक नीचे बैठे लोगों की आवाज नहीं पहुंचती, जरा जोर से चिल्लाएं। अर्तुरुल सरदार, आपने जो भी कहना है इलबिलगे खातून अंदर आकर कहे। क्या जमीन निकल गई उन्हें? कहां गए? तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने है। बरके खान के आदमी हो ना तुम? हलाकू खान किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा, इस गद्दारी का हिसाब देना होगा तुम सबको। तुम सबका अंजाम मौत है, जल्दी ये सरजमीन तुम जैसे गीदड़ों से पाक कर देंगे। अब तुम हमारे बाजुओं की ताकत देखोगे,
अलंजक तो क्या, हलाकू खान भी इस पंजे की गिरफ्त से नहीं बच पाएगा। आप ठीक तो हैं सुल्तान? ठीक हूं मैं तुर्कुत सरदार। इन्हें जहन्नुम वासिल कर दिया आपने, अब मुझे मरने का कोई गम नहीं होगा। यही अंजाम था इनका। भाई हमें यहां से चलना चाहिए। चलते हैं अब्दुल रहमान, चलते हैं। लेकिन जाने से पहले उस अलंजक को उसकी शिकस्त की खबर भेजेंगे। क्यों नहीं कर रहे आखिर? एक लफ्ज भी नहीं कहा आपने। यह परचम यहां लगाने के लिए नहीं, अपने कबीले में लगाइए सेल बिल के खातों। ले जाइए। कुछ तो कहिए अर्तुरुल सरदार, क्या हो रहा है ये? आखिर क्या मतलब है सबका? मामलात बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तलवार के वार का जवाब तलवार से दिया जाता है। आपका भाई बड़ी गलती कर बैठा है खातू, जल्द अपनी खता का उसे अंदाजा हो जाएगा। दुरुस्त कहा आपने, सऊद पे सिर्फ आपका ही हक है, लेकिन क्या यह तरीका सही है? किसी को कुछ भी बताए बगैर, किसी से मशवरा किए बगैर इस तरह अचानक हमला कर देना? जो हक तलवार से हासिल हो वो आपकी नामूस होता है, और जब बात नामूस पर आ जाए तो ना कोई समझौता होता है और ना कोई मशवरा। मुनासिब वक्त आने पर जो जरूरी हुआ वो हम करेंगे। एक तरफ मंगोल खड़े हैं और दूसरी तरफ ड्रैगोस। आप एक ऐसे पुल पर खड़े हैं जिसके दोनों जानिब सिर्फ आग है अर्तुरुल सरदार, और आज जो आपने किया इस सबसे आपके लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। ये सब सही नहीं है। उमूर उलार के लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। बुजदिल हर रोज और बहादुर सिर्फ एक बार मरता है, लेकिन बहादुर की मौत जिल्लत से नहीं होती। मैंने हक का नारा बुलंद किया है बिलगे खातू, और इसके लिए सामना करने को भी तैयार हूं हर तरह के हालात का। जब तक मेरी जान इस जिस्म के कफस में कैद है, हक के साथ खड़ी रहूंगी मैं। लेकिन यह तरीका बिल्कुल सही नहीं। हर कोई आपके खिलाफ हो जाएगा। ये दोनों कबाइल के इत्तेहाद और मुस्तकबिल के लिए सही नहीं होगा, जान लीजिए। मुश्किल होती है हक पर चलने वालों की जिंदगी। मकसद और नजरिया छोटा हो तो आगे नहीं बढ़ सकते। इसके लिए फौलादी इरादे और पहाड़ जैसी हिम्मत दरकार है। मैं बात खत्म करती हूं, इजाजत दीजिए मुझे। क्या हुआ सिरमा खातू? तुम्हारे मुंह से धुआं और आंखों से आग निकलती दिखाई दे रही है। तुमने ये कैसे सोच दिया कि ये सब हमेशा ऐसा ही रहेगा? अर्तुरुल सरदार अगर ये सब करने से बाज ना आए
तो मेरे भाई आपको कुछ कहने के काबिल नहीं छोड़ेंगे सलजान खातून। हाँ, अगर तुम जैसे लोगों की ख्वाहिशात पूरी होती तो अब तक ये जहां जालिमों और कमजरफों से भर चुका होता। अलंजक सिपाहियों के साथ जब यहाँ पहुंचेगा तो वो इसका हिसाब सबसे लेगा, समझ गई सलजान खातून? उस वक्त वाजे हो जाएगा कि इस खित्ते का और रियासत का मालिक कौन है। वाह वाह, कितनी बार समझाया कि मंगोलों पे भरोसा और सरदारी के ख्वाब मत देखा करो, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आया। अगर अभी भी नहीं समझी हो तो फिर अपने चारों तरफ काई कबीले की शान और शौकत का नजारा कर लो। मैं देख रही हूँ कि चरवाहे के खेमे में बैठकर महल का ख्वाब देख रही है सलजान खातून। फिर ना कहिएगा कि मैंने आगाह नहीं किया, बहुत जल्द खुश हो गई आप। देखो तो जरा कह कौन रहा है। तुम्हारा पहनावा देखकर सलाम करते हैं लोग, और जब किरदार मालूम होता है तो नफरीन भेजते हैं। अर्तुरुल भाई की तलवार अगर बेनयाम हो गई तो उस वक्त हर शय अपने अंजाम को पहुंच जाएगी। अब तुम अपने उमरुलार का परचम उठाओ और औताक में जाकर टांग दो। होते कौन हो तुम लोग सोत में अपना परचम लगाने वाले? यकीन करो, अगर मैं होती तुम्हारी जगह तो अर्तुरुल सरदार के गजब से बचने के लिए कोई ऐसा गोशा तलाश करती जहां मुझे अमान मिल सके। हम तो महज एक दहकती हुई आग के शोले की मानिंद हैं। अगर पकड़ा तो जला देंगे और अगर निगलना चाहा तो झुलसा कर रख देंगे। ये बात याद रखना, अपने इंतकाम का खाना हम ठंडा करके खाते हैं सरमा खातून। और अब मैं तुम्हें एक और नसीहत कर दूं ताकि तुम अपनी कीना दोस्त नजरों से चाहवशम को देख लो। अपने कान खोलकर गौर से सुन लो, अच्छी तरह जान लो और समझ लो। अपनी हुदूद से तजावुज करने की कोशिश भी ना करना। कव्वे उकाबों के मुकाबला के और बिल्लियां शेरों के मुकाबले पे आके कुछ नहीं कर सकती। ये परचम लहराता रहे भाई, यूं ही सर बुलंद रहे। गुनकुत, हुकुम भाई। लोगों को जमा करो बाजार में, उनसे बात करना चाहता हूं मैं। जैसा आपका हुक्म भाई। मौत के पास आ गए हो तुम, ये तुम्हारा आखिरी दिन होगा। दुरुस्त कहा तुमने, तो फिर आखिरी बार अपनी दुआ मांग लो। अपनी सूरत दिखाओ तुम मुझे, ताकि पता चले किसके पालतू हो तुम। उसके बाद सर कलम करूंगा तुम्हारा। वो संदूक नहीं ले जाने दूंगा तुम्हें, नहीं ले जाने दूंगा।
यूनाल, 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 तुम्हें कुछ नहीं होगा, संभालो खुद को, ये जख्म तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, खुद को संभालो, यूनाल। मैं सरदार, मैं यूनाल, 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 निजाम अपनी असल हालत में वापस आ चुका है, इजाफी महसूलात खत्म कर दिए गए हैं आज से। ये तो माशाल्लाह, हम संदूक लेने में कामयाब हो गए हैं। बहुत खूब, तुमने अजीम काम किया है उरानूस, उन्हें दिखा दिया कि कौन है हम लोग। क्या अर्तुरुल सरदार मौजूद हैं? हमारे सरदार आला अंदर मौजूद हैं। सरदार आला, हाँ? तुमने एतमाद किया मंगोलों पर और अपनी हद को पार कर गए, इसलिए मैंने भी तलवार के जोर पर गद्दारी को कुचलकर सबको उनकी हद याद दिला दी। वो माफीनामा जो अर्तुरुल भाई ने तुम्हें दिया था कहाँ रखा है तुमने? मुझे दो, मैं सामान में रख दूँ। उसे मैं जिरा में रखूंगा वालिदा, वो कोई आम चीज नहीं जो मैं सामान में रख दूँ। अब क्या सोचा है तुमने? क्या तुम सरदार आला की इताअत करोगे या उनकी तलवार अपनी गर्दन पर आने का इंतजार करोगे?